जवान कहते हैं बड़ा गुनहगार था ईरान का रहने वाला है। होता है जवान दोस्ती के चक्कर में तो ऐसा ही जवान था दोस्तों में प्राइवेसीज में और इन चीज़ों में पड़ा जब वालदे ने ज़्यादा पूछना शुरू किया तो इसको पता था अब घर में तो ये मैं काम नहीं कर सकता नशे का ही हो चुका था तो इसने माँ बाप को छोड़ा कहते में इतना बदखलाक था जब गुस्सा आता था तो कभी कभी माँ को भी मारता था बाप को भी जब नफ्स की हुक्मरानी हो जाए ना बंदे पर तो सालम भी बन जाता है कहते अलग मैंने फ्लेट लिया एक गाड़ी थी मैं उससे मुसाफिर और पैसेंजर्स उठाता था ईरान में जो दिन में कमाई होती थी रात को नशा गुनाह फाशी कहते हैं मुहर्रम का महीना शुरू हुआ में मुहर्रम आए छः दिन गुजर गए मेरे दोस्त नहीं आए मैंने फ़ोन किया क्यों नहीं आए उन्होंने कहा कि मुसीबत के दिन हैं अया अजा हैं हम गुनहगार हैं लेकिन कम अज़ कम दस दिनों में हम एहतराम करते हैं तो कहता है मैं गुस्से से दोस्तों को आने की जरूरत नहीं है मैंने गाड़ी निकाली और रास्ते को जा रहा था मुसाफिर उठाते उठाते रात बहुत लेट हो गई थी उस रास्ते पर एक मैंने लड़की को खड़ा हुआ देखा उससे मैंने गाड़ियाँ बिठाया कहाँ जाना है का सीधा जाना है आगे चलता गया चलता गया अचानक नफ्स ने गलबा किया गुना नहीं किया था इतने दिनों से जहन में ख्याल आया अकेली खातून गाड़ी में आए नीयतें गुना की गाड़ी को मैंने मोड़ा ये जवान बच्ची मोहजब कहने लगी कहाँ जा रहे हो मुझे तो सामने जाना है मैंने वही गुनाह वाले जुमले बोले उसे दावत गुनाह दी कब अच्छी रोने लगी तो कैसी बातें कर रहा है किसने कहा मैंने तो इरादा बना दिया है कहता मुझे वास्ते देने लगी अब अकेली खातून क्या करे स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ दरवाजे लॉक हैं कहते है मुझे वास्ते देने लगे बजहरे ईरान तो मतलब दोनों शिया है ना कहने लगी तुझे हुसैन का वास तुझे मोलाली का बात तुझे मामे ज़माना का वास्त ईरानी जरत अब्बास का बड़ा एहतराम करते हैं तुझे अब अफजल का वास था कहते मैंने कुछ भी नहीं सुना मैंने कहा ये छोड़ दो अकीदे की बातें फला है कहते आखिर में उसने एक जुमला कहा जिससे मेरा वजूद कांप गया कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूं मैं समझा बोलेगी हूँ पुलिस वाले की बेटी हूं फला अफसर की बेटी हूं ये हो वो हूं मैंने कहा कौन हो कहा मैं सैयद जादी हूं तुझे वास्ता मेरी दादी जारा का मेरा अदब नहीं करता मेरी दादी का अदब कर कहते पता नहीं ऐसा क्या हुआ मैंने गाड़ी रोक ली मैंने कहा जाना है का मजलिस पे जा रही थी इमाम बरगा पे उतार दो कहता मैंने जाके उतारा पूरे रास्ते में खामोश रहा समझ नहीं आ रही थी एक खौफ सा मेरे वजूद पे तारी हो चुका था कहता ये खातून गाड़ी से उतरी और जब जाने लगी तो मुझे कहने लगी कि अये जवान मैं मजलिस में जा रही हूँ तेरे लिए दुआ करूँगी तू गुना करने पर आता तुझे कौन रोक मैं अपनी दादी जहरा से तेरी सिफारिश करूं मैंने सारे वास्ते दिए तू रुका नहीं लेकिन जब तुमने मेरी दादी का नाम सुना तो रुक गया एहलैत फरमाते हम बड़ा एहतराम करते हैं उस बंदे का जो हमारी दादी का एहतराम करे ये जवान कहता है मेरे वजूद में गोया एक इनकलाब से एक अजीब सी सिचुएशन थी बस दिल कर रहा था मैं रो जहां मैंने इसको उतारा था वो मेरा मोहल्ला था मेरे माँ बाप का घर था कई अरसे से मैं आया नहीं उनको देखने के लिए मैंने कहा इस बहाने से जाऊं माँ बाप से मिल के जैसे मैंने की तो अचानक जहन में ख्याल आया पावरफुलह पावरफुल हुआ नफ्स कमजोर हो गया मैंने नफ्स को मारा उसके गले को घोटा और मैंने अपने रूह की आवाज को सुना था अब अचानक मेरा रूह पावरफुल हुआ मैं घर की तरफ गया घर का दरवाजा खोला अंदर गया घर में कोई नहीं था कहता मैंने टीवी खोला इतफाक से टीवी पर एक ईरानी ज़ाकिर करबला के मसाए पड़ रहा था कहता मैं सुन भी रहा था रो भी रहा था और अचानक जब मैंने चैनल बदला तो जन्नतलबकी दिखाया जा रहा था सैदा की टूटी हुई कब्र दिखाई जा रही थी और जाकिर बता रहा था कि नबी की बेटी इतनी मजलूम है कि उसकी कब्र का कोई निशान भी नहीं है हमारे घरों पर भी छतों का साया है लेकिन नबी की औलाद की कब्रों पर कोई साया नहीं है उसने सारे मसाए पढ़ना शुरू किए इतने दर्द भरे मसाए कहता मेरा दिल फटने लगा जब मैंने सुना इतनी बेहतरामी नबी की बेटी की तो कहने लगा सैयदा मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ लेकिन मैंने आपकी बेटी का एहतराम किया ऐसे थे जिन्होंने नबी की बेटी का एहतराम नहीं किया तब जब रोने लगा तो मुझे अपने गुनाह अपनी खताएं अपनी बदकारियाँ सब याद आने लगी जितनी मेरी अंदर की किसाफतें थी गोया किसी ने सामने ला कर कड़ी कर दी थी अब मैं रो भी रहा था अल्लाह से माफिया भी मांग रहा था इतने में मेरी माँ घर आई जिस माँ को मारता था इतने सालों के बाद जब माँ ने मुझे देखा कहता जैसे मुझे देखा तो देख मैं रो रहा था कहते जैसे मुझे देखा तो बड़े प्यार से मेरे माथे का बोसा दिया और कहने लगी रजा तू वो नहीं जो यहां से गया था मुझे बदला बदला लग रहा है तो मैंने रोकर कहा कि अम्मा मुझे सैदा ने बदल दिया कहते माफी मांगने लगा हाथों का बोसा लिया माँ के कदमों पर गिरा कि अम्मा मुझे माफ करना मैं बहुत बुरा था जब मैं ज्यादा रोने लगा तो माँ ने कहा बेटा यहाँ नहीं रो इमाम बारगा में मजलिस हो रही है मासूम का फरमाने कोई भी दुनिया की मुसीबत आए ना ऐसे ना रोया करो बीवी छोड़ के जाती है बच्चे बदतमीजी करते हैं रिस्क में परेशानियां आती हैं बंदे का दिल करता रों कहते ऐसे अपने आंसुओं को ज़ाया न किया करो ज़िक्र हुसैन को याद किया करो मुसीबत अलबैत को याद किया करो इन आंसुओं की कीमत बढ़ी है इनको ऐसे ज़ाया न किया करो गमें हुसैन में मुनाजात खुदा में तोबा में बहाया करो तो माँ ने कहा हुसैन की मजलिस में जाओ कहता है इतने सालों के बाद जब मोहल्ले में गया तो मोहल्लेदारों ने देखा अरे वो जवान जो इतना गुमराह था आज जिक्र हुसैन में रो रहा है इसकी ज़िंदगी में इनकलाब बपा हो गया कहा कि जब से गया इसकी माँ कहती है ये खादिम बन गया हुसैन का ये अज़ादारों के बर्तन धोता कभी जूतियाँ बनाता कभी वहाँ पे उनके लिए चाय रखता दिन रात खिदमत कर रहा है कि पूरे मोहल्ले ने गवाही दी कि ये इससे सच्चा आजादार हमने देखा नहीं है कहते हैं एक दो महीने गुजरे एक काफिला बना करबला जाने के लिए तो लिहाजा उस काफिल सलार जो था मस्जिद का हेड भी था प्रेसिडेंट भी था उसने इसे बुलाया कि रजा आ एक जवान को हमारे साथ चलना था जो हेल्पर था लेकिन वो बीमार हो गया है मैं इतने दिनों से सोच रहा था किसे लेकर जाऊं उसकी जगह पर अचानक जहन में ख्याल आया तुझ जैसा नेक जवान है उसे ले जाऊं हुसैन की जियारत पे कहता जैसे मैंने सुना मैं रोने लगा मैंने कहा मौला हुसैन कुछ दिन नहीं हुए आपके काफिले में आया इतनी जल्दी आपने मुझे अपनी जियारत पे बुला लिया मौला हुसैन की जारत की तोबा की वापस आया फिर एक काफिला हज के लिए निकला का रजा काफिले वाले और मोहल्ले वाले बोल रहे जब तक ये जवान चलेगा तो हम चलेंगे क्योंकि हमने इससे अच्छा खादि नहीं देखा इससे अच्छा मोहब्बत करने वाला नहीं देखा कि तब तो पावों से जमीन निकल गई कि सैयदा अपने बेटे की जारत भी करवाई अब अपने जन्नतुल बकी भी मुझे बुला लिया का इतना बड़ा शर्फ मुझे मिला गो जिंदगी बहार बन चुकी थी जब सब कुछ करके वापस आया इसके मोहल्ले का एक नेक एक मुतकी परहेजगार ताजर था बिजनेस मैन था वो इसके बाप से मिला कहने लगा कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं एक जवान में इतना इनकलाब आ जाए मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब इरादे का इतना मजबूत है यह और बन चुका है मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का रिश्ता इससे करवाऊं उसने कहा कि मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं देता तुझे पता है चार महीने पहले क्या था अब क्या है बात करनी उससे जाकर खुद कर उसके पास है कहने का रजा अपनी बेटी देना चाहता हूँ लेकिन एक वादा दो का कौन सा वादा का वादा ये दो कि फिर हुसैन को छोड़ोगे नहीं ये दरवाज़ा छोड़ के जाओगे नहीं कहते किबला में अपनी हर नमाज में दुआ करता हूँ भाई खुदा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो जब मैं हुसैन के हाथ को छोड़ के चला जाऊँ कहते कल रिश्ता लेकर आ जाना कहते ये जवान अपने माँ बाप के साथ रिश्ता लेकर गया जब उसके घर में दाखिल हो ईरान में रस्म आए जिस बच्ची का रिश्ता लेने जाते हैं वो चाय लेकर आती है वो बच्ची चाय लेकर आई जैसे इस जवान ने कप उठाया उस बच्ची की निगाह इसके चेहरे पर पड़ी कहते हाथ से वो ट्रेल गिरा और चीख मार के बेहोश हो गई मरे में ले गए बड़ी देर के बाद होश में आई और जैसे होश में आई जारो क़तार रोने लगी और उसकी जबा पर बस एक ही नाम था या फातमतरा फातम तरा माँ परेशान बेटी रो क्यों रही हो ऐसा क्या देखा ये जवान परेशान इसके माँ बाप परेशान ऐसा क्या हुआ कहती अम्मा अल्लाह की कसम आए कल रात मैंने ख्वाब में सैदा फातिमा को देखा मुझे समझ नहीं आ रहा था कल रात बीबी इसी जवान का फोटो मुझे दिखा रही थी और कह रही थी कि तू मेरी चाहने वाली है जब इसका रिश्ता आए इसे इनकार न करना इसने मेरी बेटी का एहतराम किया तभी फरमाया जब तू एक कदम बैत की तरफ जाता है वो दस कदम आगे बढ़ाते हैं लेकिन सवाल यह है कि ये कदम उठें जिंदगी में उनको राज़ी करो जिनके राजी होने से खुदा राजी होता है